गुजरात टाइटंस के खिलाफ ऋषभ पंत की मिरेकुलस परफॉर्मेंस के बाद जो है ना वो अंबाती राइडू यूटर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। पहले कह रहे थे कि दिनेश कार्तिक को T20 वर्ल्ड कप में जगह मिलनी चाहिए, लेकिन अब कह रहे हैं कि ऋषभ पंत जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। बिल्कुल, और यहाँ पे जो है वो उन्होंने ये भी एड ऑन किया, कह रहे हैं कि यहाँ पे मैं लोअर ऑर्डर की बात कर रहा था, अपर ऑर्डर में अभी भी ऋषभ पंत जो है वो एक फिट चॉइस है। इरफान पठान के साथ उनकी ये चैट चल रही थी जहाँ पे इरफान पठान भी थोड़े मजाक मस्ती के मूड में नजर आए इसके बाद, क्योंकि उन्हें भी पता था कि पहले बयान कुछ और था और अब इन्होंने अपने बयान में चेंजेस लाए। बिल्कुल, तो पंत ने जो है वो एक हिस्ट्री क्रिएट की है उसकी बात कर लेते हैं। मैन ऑफ द मैच पंत को मिला, और क्यों मिला, क्योंकि पंत ना तो हाईएस्ट रन गेटर थे ना ही उन्होंने विकेट लिया, लेकिन विकेट के पीछे जो परफॉर्मेंस थी, दो स्टंपिंग उन्होंने की थी, 16 रन बनाए थे, इसकी वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया और ऐसा इतिहास में आईपीएल के पहली बार हुआ। बिल्कुल, और मुझे यहाँ पे लगता है कि ऐसा शायद इसलिए भी मुमकिन हुआ है क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक सक्सेसफुल कैप्टन जो है ऋषभ पंत साबित हो रहे हैं। जिस तरीके से एकदम ही नीचे चल रही थी दिल्ली कैपिटल्स, अब मुझे लग रहा है कि चांसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर आने का। सोशल मीडिया के रिएक्शंस की अगर बात करी जाए तो मैक ग्रुप को लेकर ये कहा जा रहा है कि पंत की कैप्टेंसी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरीके से एडम गिलक्रिस्ट के अंडर जो है वो कोई खिलाड़ी खेल रहा हो। बिल्कुल, और यहाँ पे एक यूजर जो है वो ये बात करते हुए नजर आए कि पंत में एक ऐसी खूबी है कि एक ऑर्डिनरी प्लेयर को भी वो स्टार प्लेयर बना के निकाल सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो यही सेम बातें एमएस धोनी के दौर पे भी कही जाती थी। बिल्कुल, अगर हम मैक ग्रुप की बात करें, ईशान शर्मा की बात करें, मुकेश कुमार की बात करें, खलील अहमद की बात करें, कुलदीप, अक्षर, इतने सारे इंडियन खिलाड़ी हैं और शुरुआती दौर में हमने देखा था कि कुछ अच्छा हो नहीं रहा था, लेकिन कल के मैच में इतना ज्यादा एंटिसिपेटेड नजर आए ऋषभ पंत। हर खिलाड़ी से जो है वो जाकर बात कर रहे थे और कुलदीप से तो ये कह रहे थे गुस्सा नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है। बिल्कुल, और यहाँ पे एक यूजर लिखते हैं AI जनरेटेड ऋषभ पंत स्पॉटेड। तो ये सारी तो सोशल मीडिया के रिएक्शंस थे जो हमने अभी डिस्कस किए। अब हम बात कर रहे थे कि लेजेंड्स क्या रिएक्ट कर रहे हैं ऋषभ पंत को लेके। तो सबसे पहले केविन पीटरसन की हम बात कर लेते हैं। उनका कहना है ऋषभ पंत इज डूइंग अ गुड जॉब, हिज मोबिलिटी टुनाइट वाज ग्रेट एंड विल गिव इंडिया ग्रेट इनकरेजमेंट। उन्होंने कहा कि इज कमिंग बैक फ्रॉम अ हॉरिफिक इंजरी, सो गेम टाइम इज नीडेड एंड टू गेट हिमसेल्फ इनटू अ वर्ल्ड कप टीम। बिल्कुल, और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये भी कहा है कि वर्ल्ड कप में कैसा प्रदर्शन हो सकता है ऋषभ पंत का, ये आपको आईपीएल के एंड तक पता चल जाएगा। लेकिन उर्विका, जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही है ना, उन्होंने पिछले जितने मैच खेले हैं उसमें लगभग 2 मैन ऑफ द मैच मिले हैं, और जहाँ तक उनकी परफॉर्मेंस की बात है वो बैट से भी आ रही है और विकेट के पीछे, जिसको लेकर हम जो यही कह रहे थे कि शायद ही वो जो है वो विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे, लेकिन पंत विकेट के पीछे सबसे ज्यादा शानदार है। पूरे आईपीएल में उनके जैसा विकेट कीपर सिर्फ धोनी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं वो सब फिट हैं, तो उनसे हम बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं कि हाँ भाई ये तो अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन जब कोई अनफिट हो, इतनी अभी हमने बोला हॉरिफिक इंजरी से उठ के आया है, उसके बावजूद अच्छा कर पा रहा है, तो आप ये सोचिए कि जब वो एक्चुअल में फुली फिट हो जाएगा तब वो क्या कमाल करेगा। और बात है यहाँ पे हम रोहित शर्मा की कर लेते हैं। एक पॉडकास्ट उन्होंने हाल ही में दिया है जहाँ पे वो पंत के बारे में बोलते नजर आए कि पंत इज समवन हु मेक्स मी लाफ व्हेन आई नीड टू लाफ, आई कॉल हिम बी क्लब फेरारी फायर। मुझे ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा ने इशारा कर दिया पॉडकास्ट के जरिए कि T20 वर्ल्ड कप में एज अ विकेट कीपर पंत होने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ऋषभ पंत ने कहा, द ओनली थॉट प्रोसेस ड्यूरिंग माय रिहैब अबाउट कमबैक वाज कमिंग बैक इन अ बेटर वे। तो ये तो नजर आ रहा है। बिल्कुल, और बेटर वे मुझे लग रहा है ये तो शायद इस बेस्ट वे है ऋषभ पंत का कमबैक करने का। मैक ग्रुप जो स्टार प्लेयर निकल चुके हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं कि उन्होंने क्या कहना है ऋषभ पंत के बारे में। वो कहते हैं, आई वॉज हिटिंग सक्सेस विद ऋषभ पंत, वी वर हैविंग अ बिट ऑफ कॉम्पिटिशन विद ईच अदर, ही ऑब्वियसली वॉन, बट इट्स जस्ट इनक्रेडिबल हाउ आई कैन लर्न सो मच फ्रॉम हिम। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलियन बैटर्स अगर ये बात बोल रहे हैं ऋषभ पंत के बारे में, तो अभी टोटल मैच 14 खेले हैं जिसमें दिल्ली अभी 7 मैच के लिए, 7 मैच और बाकी हैं, तो ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस इंडिविजुअली बहुत अच्छी होने वाली है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी दिल्ली जो है वो अगर 3-4 मैच और भी जीत जाती है ना, तो ओनर भी खुश होंगे और इंडियन फैंस तो खुश आएंगे। बिल्कुल, और यहाँ पे हम अगर मैन ऑफ द मैच की बात करते हैं तो 7th मैन ऑफ द मैच जो है ऋषभ पंत ने जीता है, और मैं आपको बता दूं कि सहवाग इनसे आगे खड़े होते हैं जिन्होंने 10 मैन ऑफ द मैच दिल्ली कैपिटल्स के लिए जीते थे। तो अब मुझे लग रहा है कि 3-4 मैचेस ऐसे ही अगर निकल जाए तो सहवाग को भी पीछे छोड़ते हुए नजर आ जाएंगे ऋषभ पंत। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट सक्सेस इन आईपीएल हिस्ट्री की अगर हम बात करें एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, और ये इंडियन है, तो इसमें सबसे पहले जो है वो धोनी का नाम आता है जिन्होंने 237 छक्के लगाए, और उसके बाद नंबर आता है 132 के साथ ऋषभ पंत।
साल का। बिल्कुल, देखिए यंगस्टर है ये और उसके बावजूद धोनी से कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, तो सोचिए कि आगे एक्सपीरियंस होते जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद दिनेश कार्तिक सेम 132 सिक्सेस, सैमसन है इसके बाद 125 सिक्सेस और लास्ट में आते हैं केएल राहुल विद 113 सिक्सेस। बाकी अगर हम देखें पंत, डीके, सैमसन एंड केएल राहुल, ये चारों जो है वो विकेट कीपर की कहीं ना कहीं उस रेस में है जो T20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आएंगे। अब फाइनल सिलेक्शन क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन पंत इसमें बहुत आगे निकल चुके हैं। बिल्कुल, और यहाँ पे रिकी पॉन्डिंग जो है वो भी ऋषभ पंत और दिल्ली कैपिटल्स की परफॉर्मेंस से कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रहे हैं, और जब जो कोच ही संतुष्ट है तो मुझे ऐसा लगता है कि चांसेस ज्यादा हो जाते हैं क्वालिफिकेशन के। आपको क्या लगता है कि क्या दिल्ली टॉप 5 में अपनी जगह बना पाएगी, क्वालिफाई कर पाएगी, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब।